से कम 30 सेकंड तक हमको हैंड वॉशिंग करना है, 30 सेकंड। उसके पहले अपना हैंड वॉशिंग ख़त्म नहीं करना है, 30 सेकंड तक अपना हैंड वॉशिंग कंटिन्यू करना है। और ध्यान रखिए, मैं एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते बच्चे लोग अपने माँ पिता पापा से जो है अपने मम्मी पापा से जिद ना करो कि बाहर का चाइनीज फूड खाने का। बाहर का चाइनीज फूड हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होता है, जिसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो हमको साल्टी जो हमको टेस्ट आता है ना, देखो एक बार खाने के बाद में हमको बार बार खाने की इच्छा होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बाहर का जो हमका घर का जो बना है दाल भात चावल रोटी, घर में भी अच्छी अच्छी डिश बन सकती है ना, सूप भी बन सकता है, सभी चीज़ें बन सकती हैं, तो प्लीज़ ये मत खाइए। उसमें कलर होता है, MSG होता है, साल्ट होता है, जिससे हमारा फैट डायरी फैट हमारा इंटेस्टिनल जो एसिडिटी जो होती है ना, बच्चे छोटे उम्र में एसिडिटी होती है, तो ये सब चीज़ें हम जो ज़्यादा फैट होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं खाइएगा प्लीज़ है ना। देन पानी, शहर का जो हम जो घर में जो पानी यूज़ करते हैं, पानी का कम से कम यूज़ करो, बिजली को भी कम बचाओ, मेरा ये ना सभी से कहना है, तभी ये जो हमारा संकल्प है आगे अच्छा हो पाएगा। और देखो अभी पहले के ज़माने में हम लोग देखो जो अभी मेरे उम्र के होंगे या मेरे से बड़े वो छोटे होंगे, हम देखो कोई भी शादी में आते थे ड्रम का पानी पी लेते थे, वो उस टाइम वो सेफ था, लेकिन अभी हमको बॉटल लेके निकलना पड़ता। बच्चों यदि सिंगल प्लास्टिक जो यूज़ होता है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है ना, जो बच्चे जो अपन मार्केट में जो यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक को जरा अवॉइड करो, घर से थैली लेके निकलो, नहीं तो अपने को भविष्य में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी चलने की तैयारी या नौबत आ जाएगी। तो प्लीज़ सिंगल यूज प्लास्टिक को भी छोड़ दीजिएगा, घर से थैली लेके निकलिएगा। और